विक्ट्री डे परेड में पुतिन करेंगे राष्ट्र को संबोधित। अपने भाषण में पुतिन कर सकते हैं आज कई बड़े ऐलान। यूक्रेन को लेकर पुतिन कर सकते हैं कई बड़ी घोषणाएं, अनाउंसमेंट। कुछ बड़ा हो सकता है पुतिन के आज के भाषण पर। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें किर्गिस्तान, आर्मेनिया के राष्ट्रपति भी इस वक्त मॉस्को में मौजूद हैं। और ये ताजा तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा पा रहे हैं क्योंकि इस वक्त रेड स्क्वायर पर मौजूद है TV9 भारतवर्ष की टीम और पल पल की तस्वीरों को हम आपके सामने रख रहे हैं। और मनीष झा हमारे साथ लगातार समीर मौजूद हैं। मनीष, विक्ट्री डे परेड की जो तस्वीरें हैं वो बहुत भव्य है और ये ऐतिहासिक लम्हा होता है पूरे रूस के लिए, लेकिन 14 महीने युद्ध को हो चुके हैं और इसी साए में इस विक्ट्री डे को आगे बढ़ाया जा रहा है। तस्वीरें दिखाते रहिए और साथ में इसकी डिटेल्स भी बताइए आज क्या क्या होगा। बिल्कुल सही बात है, 14 महीने से ये युद्ध चल रहा है और इस दरमियान ये दूसरा विक्ट्री डे है। हालांकि रूस का ये 78वां विक्ट्री डे परेड है लेकिन जंग के दरमियान ये दूसरा विक्ट्री डे परेड है। आप सोचिए, जिस विक्ट्री डे परेड को ये शांति के लिए मनाते हैं, जिस विक्ट्री डे परेड को वो बलिदान के तौर पर मनाते हैं, अब उन्हें जंग के बीच में दूसरी बार ये मनाना पड़ रहा है यूक्रेन के साथ, या कमोबेश कहें तो 30 देश जो नाटो देश है। मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित से कहूंगा कि वो आसपास की तस्वीरों को भी दिखाएं। अब आप देखिए, जैसे ये रोड को अभी ब्लॉक कर दिया गया है, अब कोई भी ट्रैफिक आसपास नहीं आ रहा है। तो इस वक्त TV9 की टीम परेड पथ पर मौजूद है, उस रास्ते पर मौजूद है जहां पर रूस अभी अपना ग्रैंड विक्ट्री डे परेड को निकालेगा। उसकी तस्वीरें बहुत ही शानदार होती है, बहुत ही ग्रैंड होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। विक्ट्री डे परेड में हजारों सैनिक एक साथ मार्च कर रहे होते हैं, रूस अपनी सामरिक ताकत को दिखाता है, सैकड़ों की संख्या में तोप, टैंक और दूसरी गाड़ियां जा रही होती है। इसके अलावा रूस के जो मिसाइल है वो ICBM मिसाइल वो सब यहां पर मौजूद होता है। इन सब के राष्ट्र को संबोधित किया था और उसके बाद अब आज वो 9 मई को राष्ट्र को संबोधित करेंगे। और ये बात भी छिपी नहीं है कि इस दौरान यूक्रेन की इस जंग में रूसी फौज को भी नुकसान पहुंचा है, तो आज अपने संबोधन में अपने सैनिकों, अपने फौजियों का वो मनोबल बढ़ाने की भी पूरी कोशिश करेंगे जिसकी जरूरत इस वक्त रूस को ज्यादा है। बिल्कुल, देखिए आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं। जब 21 फरवरी को पुतिन ने यहाँ पर रूसी संसद को संबोधित किया था तब भी TV9 की टीम मॉस्को में उसी जगह पर मौजूद थी जहाँ पर पुतिन का संबोधन हुआ था। और आज जब ग्रैंड विक्ट्री परेड निकल रहा है, पुतिन फिर संबोधित करेंगे, तब भी हम TV9 की टीम यहाँ पर मौजूद है। जो आपके सवाल का जवाब है, देखिए रूस ने कभी भी इसको बहुत ज़्यादा आंकड़े को छुपाने की कोशिश नहीं की है। हालांकि रूस ने अभी ये नहीं बताया कि कितने लोग मारे गए, लेकिन अगर आप तुलनात्मक तौर पर देखेंगे तो जैसे यूक्रेन ने बीते 14 महीने में आज तक उसने एक बार भी नहीं कहा कि मेरा एक सैनिक मारा गया या एक सैनिक शहीद हुआ है। यूक्रेन ने हमेशा से रूस के सैनिकों के मारे जाने की संख्या बताई है, जबकि रूस ने आधिकारिक तौर पर यूक्रेन में कितने सैनिक मारे गए, यूक्रेन के कितने सैनिक मारे गए उनकी भी संख्या नहीं बताई है। तो रूस सैनिकों के मारे जाने को लेकर उतना पैनिक अभी नहीं दिखाई दे रहा। उसकी वजह यही इतिहास है कि आप देखिए, रूस बहुत गर्व से यह बात कहता है कि नाजियों से लड़ते हुए दूसरे विश्व युद्ध के दरमियान सोवियत संघ के 2,70,00,000 लोगों ने अपनी शहादतें दी थी, अपना बलिदान दिया था, तब जाकर हम ये विक्ट्री डे परेड मना रहे हैं। और रूस का कहना यह है, प्रेसिडेंट पुतिन का कहना यह है, जो अभी उनके भाषण में एक बार फिर वो दोहराएंगे कि हम एक बार फिर नाजियों से लड़ रहे हैं। पुतिन के भाषण पर तो नजर है ही, हमें शहादत। लेकिन एक जो सवाल है कि इस विक्ट्री डे परेड पर इस युद्ध की छाया किस तरह से है, दुनिया उसे कैसे देखती है, श्रीवास्तव सर आप कैसे देखते हैं इस वॉर की छाया इस विक्ट्री डे परेड पर? क्योंकि ये रूसियों के लिए, पुतिन के लिए बहुत गर्व का दिन है, लेकिन ऐसे वक्त में जब एक कह सकते हैं कि आधी जीती हुई लड़ाई के बीच ये दिवस मनाया जा रहा है। देखिए समीर, सबसे नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि एक सांकेतिक मैसेज जा रहा है दुनिया को कि जैसे कहा जा रहा था कि इनकी सेना पूरी असंगठित हो चुकी है, पुतिन अपना जो है कंट्रोल खो रहे हैं,
इस परेड के जरिए, इस विक्ट्री डे के जरिए ये मैसेज तो जरूर जा रहा है कि पुतिन अपनी जगह संगठित हैं, अपनी जगह मजबूत हैं और उसी तरीके से नियंत्रण कर रहे हैं सेना का और देश का, जैसा करना चाहिए। ये अपने आप में खुल के जा रहा है। दूसरी बात ये जा रही है कि जो सैनिकों का बलिदान हो रहा है, पुतिन वो कहना चाहते हैं वो बलिदान व्यर्थ नहीं जा रहा है, क्योंकि रशिया में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्रिएट हुई थी नाटो के उस तरह के एक्सपेंशनिज्म। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सबके बाद अभी भी इसे स्पेशल ऑपरेशन कहा जा रहा है। स्पेशल ऑपरेशन से देखिए आज के दिन ऑफिशियली वो वॉर नहीं कह रहे हैं। आज के दिन क्या अनाउंसमेंट होगा ये जरूर स्पेकुलेशन है कि शायद वो आज डिक्लेयर करें कि ये वॉर हो सकता है। बड़ी बात आप कह रहे हैं श्रीवास्तव सर। मेजर जनरल वीके दत्ता साहब हमारे साथ हैं। सर एक क्विक कमेंट लूंगी, ये जो मनीष ने हमारे सहयोगी ने कहा कि रूस कह रहा है कि ये नाजियों से हम नहीं लड़ रहे, हम न्यू नाजियों से लड़ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है इसमें कितना ये सतही है या फिर वाकई ये पुतिन फील करते हैं कि न्यू नाजी है यूक्रेन से लड़ना? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये जंग जो है, ये जो मैंने आपको बताया कि जो अजोव बटालियन इसका था यूक्रेन का, जिन्होंने जो अत्याचार करे डोनबास और लुहांस्क में, उसी समय पुतिन ने बोला था भाई इनको न्यू नाजिस को आप कंट्रोल करें। तो जहां तक पुतिन का सवाल है, यूक्रेन की जंग आज के दिन में वो उसकी तरफ से एक न्यू नाजिस के खिलाफ लड़ी जा रही है। लेकिन मैं एक और आपको बात बताना चाहूँगा, ये जो परेड हो रही है ये विद फुल प्रिकॉशंस ली जा रही है। आपने देखा होगा जो संख्या है सिविलियंस की उसको कंट्रोल किया गया है। इस समय अगर मैं यूक्रेनियन हूँ और मैंने रशिया के ऊपर हमला करना है, मिली तो बहुत बड़ा मौका है, पुतिन साहब वहाँ मौजूद, अगर मैं मारना चाहता हूँ तो मैं वहाँ स्ट्राइक करूँगा। इसलिए आज के दिन रशियन एयरफोर्स, रशियन एयर डिफेंस, रशियन जो पूरा अर्ली वार्निंग सिस्टम है पूरी तरह से डिप्लॉयड होंगे। और ठीक है और इसीलिए ये देखना बहुत जरूरी होगा कि आज व्लादिमीर पुतिन अपने संबोधन में किन बातों का जिक्र करते हैं। क्या आखिरी फैसले का ऐलान करने वाला है आज रशिया?